तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब ने पाकिस्तानी संसद में अपने संबोधन में कश्मीरियों के संघर्ष की तुलना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विदेशी शासन के खिलाफ तुर्की की लड़ाई से करते हुए अपना समर्थन पाकिस्तान को दिया। तुर्की के राष्ट्रपति के बयान से पूरे विश्व में भूचाल मच गया, जिसका असर भारत के विदेश मंत्रालय पर भी देखने को मिला। तुर्की के राष्ट्रपति के दोगले बयान से भड़का भारत ने विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो उससे काफ़ी अलग नहीं हो सकता। रवीश ने यह भी कहा कि हम तुर्की के नेतृत्व से अनुरोध करते हैं कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें और भारत के तथा क्षेत्र के लिए पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के गंभीर खतरे को उचित समझें। तुर्की के इस बयान से पूरे भारत में ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे आने वाले समय में विश्व युद्ध की तैयारी शुरू हो गई हो।